نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام اخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم बलगुल गला भी कमाली कशफ़ दुजा भी जमाली हसन जमी और खिस व अ वही वाह क्या जदो करम है शह बतहा तेरा वाह क्या जदो करम है शह बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा तारे खिलते हैं सखा के वो है ज़र्रा तेरा और फैज़ है या शह तस्नीम निराला तेरा आप प्यासों के तजस में है दरिया तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा अग्निया पलते हैं दर से पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा और अस्फिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा हस्बी मामूल सुबह के आगाज़ में हम बार गाह इज़्ज़त में अपनी हाज़री पेश कर रहे हैं ताकि हमारे गुनाहों का कफ़ारा होता रहे और मुबारक के नूर से हमारे ज़ाहिर उबातिन मुनब्र होते रहें उसकी अता उसकी करम से आज ये हमारी बारहवीं हाज़री पेश हो रही है जिसमें हम उसकी अताओं की मेहरबानियों की एक झलक देखना चाहेंगे कि जो लोग उसकी अताकृदा नेमतों में से उसकी राह में ख़र्च करते हैं तो वो कितना ज़रूरी होता है और उस पर मिलने वाला अजर कितना बड़ा होता है आइए अजीम की इन आयात करीमा का जायज़ा लेते हैं कि इनमें परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया पुराने करीम को खोलते ही जब हम सुरफ़ा पढ़ लेते हैं तो ला, मीम के बाद आयत करीमा में अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए अपनी सलाब किताब के फ़ायद उनके ईमान और उनके तकवे का ज़िक्र फरमाता है और फिर मतकी कौन होते हैं उनकी निशानियाँ इरशाद फरमाता है कल मैंने जब आपकी खिदमत में तकवे से मतलब कुछ गुजारिशात पेश की थी तो मैंने अर्ज़ किया था कि तकवे की बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी अकसाम हैं लोगों की कैटागरीज़ के मुताबिक और उनके मनासब और उनके अहदों के और उनकी शान के मुताबिक तकवा भी हुआ करता है लेकिन उस गहराई में जाने का और फिर बहुत सारा बयान करने कर चूँकि वक्त नहीं था इसलिए जितने पे हम अमल कर सकते हैं पहली सीढ़ी उसी पर इतफ़ा किया अल्लाह करे कि हमें उस पे अमल की तोफ़ीक भी और समझ भी नसीब हो जाए तो उन निशानियों में से आज एक निशानी अर्ज करने जा रही हूँ अल्लाह रबुल्ज़त ने इशात फरमायाकताबुल्ला बफ़ी इन अल्फाज में तो परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि ये ऐसी किताब है ऐसी अजीम शान किताब है ये ये वो किताब है लारफ़ी जिस जिसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं और ये कायनात की वाद किताब है जिसको भेजने वाला जिसका कलाम लोगों तक पहुंचाने वाला इतने दावे से पहले ही जुमले में फ़रमाता है कि ऐसी किताब ऐसा कलाम भेज रहा हूँ जिसमें शुबा होना तो दूर की बात है शक व शुबा का कोई शाइबा तक भी नहीं हो सकता ला रईबा फ़ी हदलमुत तो इस किताब से मती लोग हिदायत हासिल कर सकेंगे और ये किताब उनके लिए हिदायत बनेगी। मतकीिन कौन होंगे अल्लादीनू नबीब पहली सिफत व यकीम नसला दूसरी सिफत वमीम रज़कना हम यौन फिकोज़ ये तीसरी सिफत अब हम अपने वक्त का लिहाज रखते हुए सारी सिफात आज बयान नहीं करेंगे जब कभी अगली तफसील तकवे की बयान की तो फिर इस पूरी आयत करीमा को इनशल्ला पढ़ेंगे वमीम रज़क़ ना हम यौन फ़िक्ल यहाँ हम इख्तिताम करते हैं जो मतकी है उनकी दिगर सिफ़ात में से एक सिफ़त ये है कि अल्लाह फरमा रहा है जो हमने उन्हें अदा किया है उसमें से ख़र्च करते हैं दूसरी आयत करीमा जो तीसरे पारिस से मैंने तिलावत करने का कर शर्फ हासिल किया उसमें इर्शादे वारी है कि मसलुल्ली यूम फ़िक्न अमालम वो ख़ुशनसीब जो अपने माल खर्च करते हैं फ़ी सभी कहाँ अपने ऊपर नहीं अपने लिबास अपने घर अपने महलात, अपनी जायदादें प्रॉपर्टीज़ बनाने में नहीं फ़ी सभी जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं कमासली हब बातिन उस दाने की मिसल है क्या उनका खर्च करना जो दाना उगाता है सब आज सनाबिल सात बालियां या सात सीटे एक दाना कहाँ से उगाता है वो ज़मीन के अंदर से तो एक ही तीन का निकलता है एक ही तना होता है मगर जब वो पौधा बन जाता है तो फिर उसके ऊपर कमो बेश सात सिट्टे निकलते हैं एक ही उस तने के साथ फीकुल्ली सोम बुलाते फिर वो जो सिट्टे और बालियां होती हैं उस हर सिट्टे में मियाँ तो हब्बा एक सौ दाना होता है वाहफुलमाय यशा और इसको इख्तिताम ना समझना अल्लाह की आता का बल्कि इस पर भी जिसके लिए वो जितना चाहे बढ़ा देता है यानी ज़रूरी नहीं कि हर पौधे के साथ साथ ही सिट्टे लगें इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं इतने सिट्टे भी लग जाते हैं कि वो पतला सा बेचारा जो तना होता है वो दोहरा हो जाता है जरा सी बारिश होती है जब गंदम पक जाती है तो आपने देखा और सुना होगा कि किसान कितने परेशान होते हैं जिनको गर्मी लग रही होती है। वो तो खुश होते हैं कि बादल आ रहे हैं और उनकी जान पे बनी होती है कि गंदम बाहर खेतों में पक चुकी है और अब अगर तेज़ बारिश हुई तो वो सारी गंदम गिर जाएगी और हमारा पूरे साल का नुकसान हो जाएगा मतलब इतना दाना इतना फल उसको लग जाता है कि वो अपना बोझ ही बर्दाश्त नहीं कर सकता और क्या ज़्यादा तरतीब देखते जाइए कमासली हब्बा उस दाने की मानंद है आम बतत सबा शनाबिर जो सात सिट्टे उगाता है फिर कुल्ली सोमबुलतिन हर सिट्टे में मियाँ तो हब्बा सोदाना होता है वल्ल यशा, जिसके लिए वो जितना चाहे वो फिर और भी बढ़ाता है अब और बढ़ाने पर रुक नहीं जाना वल्ल अलीम अब जो अल्लाह की वस् आते हैं वो इससे भी आगे हैं और वही जानता है कि उसने किसको कितना देना है और वो ये भी जानता है कि जो देने वाला बंदा है वो क्या कर रहा है और कितने में से कितना दे रहा है मतलब तो हर चीज को वो जानता है और उस वक्त में जब हमारे पास कुछ आ जाता है तो फिर हमें ये जाबिता भूल जाता है कि बड़े बड़े गनी बड़े बड़े सखी बड़े बड़े मालदार उन सब की हकीकत क्या है कि अग्निया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा तो आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि मैं आज किस मौजू को आपकी खिदमत में पेश करना चाह रही हूँ पहली आयत का हिस्सा जो मैंने पेश किया अल्लाह अल्ला फरमारा वमीम मा रज़ाकना हम युम फ़्यून और हमने जो कुछ उनको दिया उसमें से वो ख़र्च करते हैं ये जुमला बहुत खूबसूरत है और हमें हकीकत से आशना कर रहा है आप तवज्जो फरमाएँगे आपको भी यकीन लुत्फ आएगा अल्लाह पाक ने यह नहीं फ़रमाया कि जो उनके पास माल होता है जो उनकी दौलत होती है जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें से वो खर्च करते हैं फरमाया कि मतकीन वो हैं जो हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं सबसे पहले ये बात समझाई यौन फ़िकून का ज़िक्र बाद में मिम्मा रोज़क्नाम का ज़िक्र पहले कि बंदे अपना दिमाग हाजिर रखना और ये बात याद रखना कि तू जो भी ख़र्च करेगा ना वो तेरे बाप का है ना तेरे दादा का है ना तेरे परदादा का है मिम माँ रजाक ना हूं वो वही है जो हमने तुझे दिया है तो पहले इस बात को समझ ले कि जो तेरे पास है वो तेरा नहीं वो हमारा है ऐसा क्यों फरमा रहा है पाक जब ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है ना तो इसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाता है कैसे मेरे पास दो लाख रुपए हैं अलग अलग एक लाख वो है जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया है मेरे पास है नहीं है मैं मिसाल दे रही हूँ मैंने वो थोड़ा थोड़ा करके जमा किया है और एक लाख रुपया वो है जो मुझे किसी ने दिया है और उसने कहा कि इसे रख लें जब मैं मांगू तो मुझे वापस कर दें। कुछ अर्से के बाद वो मालिक वापस आता है और आके मुझे कहता है कि मुझे वो पैसे लाख रुपए वापस कर दें और वो ये कहता है कि मुझे एक लाख की और जरूरत है वो लाख वो है जो मैंने थोड़े थोड़े करके सेविंग की है और एक लाख तो ऑलरेडी है ही उसी का अब उन दोनों के देने में क्या फ़र्क होगा आप बता सकते हैं दोनों लाख बराबर अमाउंट है मगर देने में फ़र्क क्या होगा वो जो उसकी अमानत है वो तो मुझे पहले दिन से ही पता है कि वो मेरी रकम नहीं है जो ही कोई मालिक मांगने आएगा मैं निकाल के दे दूंगी मगर जब वो दूसरे लाख का तकाजा कर रहा है ना तो उसको देते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी ख़दशात भी पैदा होंगे फिक्र भी लाक होगी कि पता नहीं ये ला के वापस देगा कि नहीं देगा मेरी रकम ज़ाया ना हो जाए और फिर अगर ये ले गया तो फिर मैं क्या करूँ तो दोनों लाख रुपये के देने में फ़र्क हो गया अब जब है ही हमारे पास सारा कुछ अल्लाह का अब भी हमारे देने का ये हाल है कि हम देना नहीं चाहते अगर फिर वाक़ हमारा ही होता फिर हम क्या करते अब आपको यकीन लुत्फ़ आया होगा इस बात का कि अल्लाह पाक ने यह क्यों फ़रमाया कि ख़र्च करने का जिक्र बाद में और अपनी मिल्कियत का ज़िक्र पहले कि जो कुछ तुमने देना है वो मेरे ही दिए हुए में से देना है मगर ये बात आज तक हमें समझ नहीं आई जब वो हमारे पर्स में आ जाती है रकम वो जहाँ से भी आए बस फिर हमारा ये दावा होता है कि अब ये मेरी है अब उसको निकालने में ख़ास तौर पे अल्लाह की राह में जो हकीकी मालिक है ख़ास तौर के अल्लाह की राह में निकालते हुए हमें बहुत सारी सोचें आती हैं बहुत सारे काम याद आते हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां याद आती हैं बहुत सारी ज़रूरियात हमारे सामने आ जाती हैं लिहाजा फिर वो हमारा हाथ पर्स की तरफ बढ़ता ही नहीं और अगर थोड़ी देर के बाद हमारा दिल कह रहा है कि हमने कोई कुछ खाने पीने का प्रोग्राम करना है या ईद आ रही है और हमने कुछ ख़रीदना है तो बाहर से ही अगर किसी की आवाज़ आए बेचने वाले की तो हम बेकरार हो जाएंगे कि हमें फौरन कोई बंदा बाहर से वो चीज़ ख़रीद के ला दे अब हम बिल्कुल भूल जाएंगे कि हमारे और भी कोई काम है अब वही पैसे हम फौरन ख़र्च कर देंगे इस फ़र्क को समझते जाइए अल्लाह ने ये फरमाया पहले इस सहायता करीमा में कि मतकी परजगार वो हैं हमने माशा कल दस अम और दस काम सीखे थे ना जो मतकी बनने के लिए होते हैं तो उनमें से एक अल्लाह की राह में खर्च करने का था कि हमारे दिए हुए में से वो ख़र्च करते हैं यहाँ तो इसका जिक्र किया यानी बता दिया कि जो कुछ भी है वो मेरा है तुम्हारा नहीं है इसके बावजूद उसकी वसातें उसकी करम नवाजियाँ और बंदे पर अपनी रहमतों के लुटाने का जो अंदाज़ है वो कायनात में कहीं नज़र नहीं आएगा वो फरमा रहा है कि वो जो हमारा दिया हुआ है ना उसी में से जब हमारे बंदे हमारे रास्ते में ख़र्च करते हैं तो हम उनके ख़र्च करने पे इतने खुश होते हैं अल्लाह फरमा रहा है इतने खुश होते हैं कि उसकी इस अदा पर भी हम उसके ऊपर इतनी रहमतें लुटाते हैं कि एक दाने के बदले उसको सात सौ दाना अदा कर देते और वो ये मत समझे कि इस पे बस है इस पे जितना चाहें हम बढ़ा दें और उस बढ़ाने पर भी हमारी बारगाह की वो सतह ख़त्म नहीं होती ये जो अल्लाह की राह है युन फिकून अम फी सभी ये जो अल्लाह की राह है इस राह से क्या मुराद है अल्लाह ने हमें कौन सी अपनी राह दी है कि वो राह है जिसको हम सिरात मुस्तकीम कह के मांगते हैं इसको सबीलिल्लाह कहते हैं तो गया इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने का मतलब ये है कि उसके दीन के कामों में ख़र्च किया जाए तो जब हम खर्च करेंगे तो हमें उसका रिटर्न ये मिलेगा और इसकी मिसाल क्यों दी मिसाल वही फ़ायदा पहुंचाती है जिसका ताल्लुक़ कॉमन सेंस के साथ हो और हम ये अपनी आंखों से मुशाहिदा करते हैं हमारे इर्द गिर्द जो खेत होते हैं जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पे जब किसान ये हमारे सामने दाने डालते हैं और वहाँ से फिर फसलें उगती हैं वो कितनी कितनी ज़्यादा उगती हैं तो ये आराम से समझ आ जाने वाली बात थी और अल्लाह के क़लाम में और उसके दीन में सबसे बड़ा कमाल ही ये है कि वो इतने बड़े काम को इतनी आसान सी मिसाल के साथ समझा देता है कि कन् से ज़हन भी अपने लिए आसानी समझने लग जाता है अच्छा अब जो दोनों जगह पेशात फरमाएफुन और यूनफ़ून येनफ़ून का जो लफ्स है ये बब इफ़ाल का लफ्स है इनफ़ाक, जिसका मादा नफाकन है इसी नफक से लफ्स मुनाफ़ भी बना है और इसी नफक से इनफ़ाक भी बना है आप मुनासबत दोनों में समझिए जो नफक से मुनाफ बना वो मुनाफिक क्यों कहलाता है इसलिए कि उसके दो मुंह होते हैं मुनाफिक के दो मुंह होते हैं एक तरफ वो कुछ कह रहा होता है और दूसरी तरफ वो कुछ कह रहा होता है उसकी एक जुबान नहीं होती एक मुंह नहीं होता उसकी दो जुबान दो मुंह होते नफक असल में कहते किसको हैं है नफक अरबी में कहते हैं सुरुंग को टनल को अरबी में जिसको टनल कहते हैं उर्दू में हम सुरुग कहते हैं सुरुग क्या होती है वो जमीन दोज एक रास्ता होता है जिसके दो मुंह होते हैं एक मुंह से हम उसके अंदर दाखिल होते हैं और दूसरे मुंह से हम निकलते हैं बाहर मतलब इधर से आए और इधर से गए इन मुनासबतों की वजह से ये दो चीजें पेश की जा रही हैं अच्छा अब इनफाक़ का फिर क्या मतलब हुआ मुनाफिक का तो ये मतलब हो गया इंफाक़ का मतलब इस मुनासबत से भी बहुत खूबसूरत लगेगा इसका मतलब ये होगा कि एक तरफ से माल आए और दूसरी तरफ से माल जाए ये बात अल्लाह को पसंद है और यही ज़रिया है उसके माल को ज़्यादा करने का और बढ़ाने का मतलब जिस तरह से आप टनल में या सुरंग में या नफक में एक तरफ से दाखिल होते हैं वहां ठहराव नहीं होता एक तरफ से आए दूसरी तरफ से गए और कायनात के वाली मोहम्मद रसूल सल्लाम ने खुद ऐसा करके अपने गुलामों से ऐसा करवा के अजाज़ मतःरात से ऐसा करवा के साहब इक्राम को ऐसा दर्श दे के हमें यही सिखाया कि बोरियों के हिसाब से मनों के हिसाब से ढेरों के हिसाब से सोने आ जाए चांदी आ जाए माल आ जाए जवाहरात आ जाए कुछ भी आ जाए कोई हैसियत नहीं है एक ही तरह के हैं खा को मामूली चीज़ आई है या गैर मामूली है इधर से आएगी उधर से जाएगी तो अब फिर जो सवाल हमारे अंदर पैदा होना था ना कि अल्लाह तूने कहा कि खर्च करें और खर्च करने वालों की शान बयान की तो हमने जो पूछना था ना कि अल्लाह हम क्या खर्च करें और कहाँ खर्च करें तो अल्लाह ने पहले ही खुद उस सवाल का जवाब दे दिया ताकि तुम्हारे जो तासुरात हैं ना वो पहले ही सीधे रहें पहले ही तुम्हारे अंदर बात ये पहुंच जाए कि देना उसमें से है जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है ये बात पहले अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लो कि जब तुम उस चीज़ पे कब्जा करोगे ना कि ये मेरी है तो फिर तुम्हारे हाथ नहीं खुलेंगे जब तुम्हें इस बात की समझ आ जाएगी कि जो कुछ भी है जो मैंने तुम्हें अदा किया तुम्हारे बड़ों को किया तुम्हारे छोटों को किया पूरी दुनिया वालों को दिया वो सब मैंने दिया और मैं अपने ही दिए हुए में से मांग रहा हूँ मांग किस लिए रहा हूं खुदा ना हास्ता आज़ाला कोई अल्लाह को ज़रूरत नहीं पड़ गई ज़्यादा दे बैठा था तो अब वापस चाहिए ऐसा नहीं वो हमारे ही जैसे बहन भाइयों के लिए हमें दिलाने की रगबत दे रहा है ना उसको ज़रूरत है और अगर वो चाहे तो जिस तरह उसने हमें अता किया है वो गरीबों को भी तो अता कर सकता है जब उसके ख़जाने ख़त्म होने वाले नहीं हैं उनमें कमी नहीं आ सकती तो फिर फिर हमसे क्यों मांग के दिया जा रहा है सिर्फ़ इसलिए कि हमारे इस ताल्लुक़ से इस रिलेशन से दुनिया के अंदर माशरती निज़ाम ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ चले हमारे अंदर से अजनबियत सख्त दिली खत्म हो हमारे अंदर महर नरम दिली पैदा हो एक दूसरे का एहसास और हमदर्दी पैदा हो तो इस महीने में हम इन चीज़ों का ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त हर चीज को सत्तर गुना ज्यादा होना है तो इस लेवल पे आने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी रहम दिली, अपनी हमदर्दी मसात इसार इसको भी सत्तर गुना ज्यादा बढ़ा लें ताकि अल्लाह पाक ने अगर सत्तर गुना ज्यादा का वादा दिए तो हमारे अच्छे अमाल की वजह से वो सत्तर हजार नहीं सत्तर लाख सत्तर करोड़ गुना ज्यादा अदा कर दे क्यों वो तो खुद फरमा चुका वसलीम तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है ना हमसे लिए बग़ैर उनको देना मुश्किल और ना ख़ुद से ना हमसे कहना ना हमसे लेना ना कुछ करना ख़ुद से देना भी और बराबर में सबको दे देता तो तब भी कोई मुश्किल नहीं थी लेकिन उसका जो अपना निज़ाम था उसको इतने खूबसूरत तरीके से उसने मेंटेन किया हमारे पास माल था माल की एक नहुसत भी होती है माल का एक गुरूर भी होता है एक तकबुर भी होता है और ज़्यादा माल जो होता है वो बंदे को तबाह भी कर देता है तो अल्लाब ने उसको पाक साफ करने के लिए हमें उसकी नहुसत हमें उसके किबर हमें उसके गुरूर से बचाने के लिए एक निज़ाम वज़ा किया और उस निज़ाम के तहत हमसे ले उसने गरीबों को दिया और वह देना भी असल में हमारे ऊपर एहसान था कि तुम्हारा माल पाक हो जाए उसकी नहूसत खत्म हो जाए उसकी जो मैल थी वो उतर जाए ये अल्लाह पाक ने इसलिए इस, इस निज़ाम को वज़ा किया मगर हम चूँकि बदकस्मती से दीन से दूर रहते हैं हम चूँकि उस लारैब और अजीम उशान किताब को पढ़ने से कासिर रहते हैं इसलिए ना हमें अल्लाह के प्यार की समझ आती है ना उसके प्यार पर यकीन आता है बस हमें ये पता होता है कि जो हमारे पास है वो मिल गया वो अब किसी का नहीं है उसमें से हम कुछ नहीं दे सकते अच्छा अब हम ये देखते हैं कि वो जो फरमा रहा है मिम्मा मा रजाक ना हम या कहीं फरमाता है मिम्मा माँ रजाक ना कुम हमने जो जो रिस्क दिया अब यहाँ जो रिस्क है इसको समझने में हमारे जो आ, महदूद जहन होते हैं वो जब गलती करते हैं तो फिर हमारे अंदर वसत आती ही नहीं हम ये समझते हैं कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि मैंने जो तुम्हें रोज़ी दी और रोज़ी हम किसको समझते हैं हम रोज़ी समझते हैं चावल को गंदम को आटे को और इस को तैयार करने के लिए जो साजो सामान होता है हम उसी को रोज़ी समझते हैं और जब कोई बंदा बात करेगा तो आप देख लीजिए वो ये कहेगा कि रोजी कमाने के लिए बाहर गए हैं भाई पाकिस्तान में रोज़ी पूरी नहीं होती तो फिर वो कमाने के लिए बाहर गए यही हमारा दायरा कार है रोजी का आइए आज समझते हैं कि रोजी क्या होती है तो अल्लाह तबारक जल्ला जला ने अपने वजूद यानि हमारा जो वजूद है इससे लेकर दुनिया में मिलने वाली और इस्तेमाल होने वाले जितने माल हैं और जितने वसायल हैं ये सब किसने दिए हैं अल्लाह पाक ने वो हमारी अपनी ज़ात है हमारा माल है हमारे इसबाब है हमारी औलाद है हमारी उम्र है हमारा वक्त है ये सब का सब रोज़ी है ये सब का सब रिस्क है और अल्लाह ने क्या फरमाया मिम्मा रजक ना जो कुछ ये इतला ये मुतलक फरमाया जा रहा है जो कुछ भी जो जो भी हमने तुम्हें दिया तो हमने जब चेक किया तो ये सारा कुछ ही तो अल्लाह का दिया हुआ है तो फिर पता चला कि ना के अंदर तो ये सब कुछ आ रहा है तो फिर खर्च करने की जो तरगीब दी जा रही है वो सिर्फ़ चंद रुपये निकाल के खर्च नहीं करना अपने घर से किलो दो किलो गंदम दे के खर्च नहीं करना पुराना कपड़ा दे के खर्च नहीं करना ये जितनी चीज़ें हमने चेक की कि, कि सब का सब अल्लाह का दिया हुआ है तो फिर बात तब बनेगी मुतकी तब बनेंगे जब इन सब में से अल्लाह की राह में खर्च किया जाएगा मतलब औलाद अल्लाह ने दी तो औलाद खर्च करेंगे जिस अल्लाह ने दिया तो जिसम खर्च करेंगे आंखें, कान हाथ पैर इल्म, जिंदगी सोच शार अकल जो कुछ भी है ये सब अल्लाह का दिया हुआ है ये सब रोज़ी है और इस सब को खर्च करना होगा तो सही मानो में मुतकी तब बनेंगे यही वजह है कि जिस वक्त इंसान अल्लाह की बारगाह में पहुँचेगा मैदान माशर में तो उसको उस वक्त तक उस बारगाह से हटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक अल्लाह तबारक वाली उससे यह सवाल नहीं फरमा लेगा कि जो माल मैंने तुझे दिया तूने कहाँ कहाँ ख़र्च किया कहाँ से कमाया जवानी कहाँ ख़र्च की किन किन ज़राए से तुमने माल कमाया हर नेमत का और उसकी इस्तात का जो खर्च है उसके बारे में रब करीम पूछेगा अब आज हम देखें अगर कि हमारा जो दीन है आज इस दौर में हमारा दीन मखलूब क्यों है अल्लाह करीम ने तो इसको गालिब बनाया है सारी कायनात में अल्लाह ताला ने इस दीन को गालिब करने के लिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि तसम को नबी बनाकर रसूल बनाकर महबूब बनाकर भेजा तो फिर आज ये दीन मगलूब है शैतानी ताकतें गालिब आ गई हैं तो फिर इस दीन को गालिब करने का तरीका क्या होगा इसके लिए क्या क्या खर्च करना पड़ेगा दीन को गालिब करना है जिसको अल्लाह ने बनाया गालिब है हमारी ना अहलियों हमारी नालायकियों और दीन से दूरियों की वजह से ये मगलूब हुआ हमने दुश्मन को मौका फ्राहम किया कि वो इस दिन पर गालिब हो जाए तो शैतानी ताकतें गालिब आ रही तो फिर अब हम जब इस दीन को गालिब करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें क्या क्या खर्च करना पड़ेगा यही जो मैंने सब चीज़ें जिक्र की इन सब की ज़रूरत होगी हमें अपनी जानें भी ख़र्च करनी होंगी अपना माल भी अपनी औलादें भी अपना भी अपना शा भी अपनी ताकत भी जाहरी बातनी सब कुतें जब तक हम खर्च नहीं करेंगे तब तक हमारा दिन गालिब नहीं आएगा तो फिर कब तक खर्च करना फ़ायदा मंद होगा क्या हमारी मर्जी पे डिपेंड करेगा कि हम जब तक चाहें जब हमारा दिल करेगा हम खर्च कर लेंगे तो याद रखिए खर्च करने की फज़ीलत कब होती है जब आपके दिल में एक चीज़ की मोहब्बत है ना आप उस मोहब्बत को क़ुर्बान कर रहे हैं उस देने वाले पर जिसने आपको दी है तो असल फज़ीलत के हकदार आप तब बनते हैं हम क्या करते हैं हमारी जब जो बुज़ुर्ग ख़ातन है कई माइंड ना कर जाए सुन के वो बड़ी बड़ी सी बालियां पहन के बैठी रहती हैं मोटे मोटे से कड़े बाज़ू में पहन के बैठी रहती हैं और अगर अल्लाह पाप तोफ़ीक देता है तो वो वक्तन फक्तन बहु बेटियों को कह देती हैं जदू मैं मर जाऊँ तो एल्ला के मस्जिद से दे दियो अब अगर उनके बस में होता तो वो कह देती हैं कि खबरदार ये उतारने नहीं हैं ये मेरे हैं तो मेरे साथ ही जाएंगे मगर अब वो मजबूर हैं कि अल्लाह ने साथ कुछ रखने का हुक्म नहीं दिया बेशक अल्लाह करीम है वो कबूल करेगा वो उसका आजर भी देगा लेकिन अब उस खातून के काम की वो चीज़ें नहीं रही, अब उनसे मोहब्बत नहीं रही मोहब्बत के लिए ज़िंदगी नहीं रही वक्त नहीं रहा उम्र नहीं रही अब क्या होगा अल्लाह तबारक ताला अच्छी नीयत ताप फरमाए तो अल्लाह पाक उसको कबूल भी फरमाए उसी के मुताबिक लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है कि बंदा ये कहे कि बस मेरे साथ मेरी बेटियों बहू ने कोई अच्छा सलूक नहीं ना किया तो मैंने मरते हुए इन्हें नहीं दे के जाना अब ये मैं मस्जिद में दे के जाऊंगी और ऐसी बहुत सी बातें हमने सुनी भी है असल फजीलत क्या थी कि काफी अरसा चले पहन लिया शौक पूरा हो गया तो अपने हवास में अपनी जिंदगी में अपनी होश में ये चाहते हुए भी कि मुझे ये अच्छे लगते हैं मुझे इनसे प्यार है मगर उस प्यार को कुर्बान किया जाए अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की जात पर और फिर अपनी चीज को पेश किया जाए तो फिर उसका जो है, वह है, फिर वो हजारों गुना ज्यादा उस सदक़े का जो अजर है वो जो सवाब है वो बढ़ जाता है तो कब तक खर्च करना हमें फ़ायदा देगा कबल आई या अति यौम्ला बी ही वला खुल्ल वा शफाआ जब वो दिन जब तक वो ना आए यानी उससे पहले पहले जिस दिन ना कोई ख़रीदो फरोख्त होगी ना कोई दोस्ती होगी ना कोई सिफारिश होगी यानी क़यामत का दिन उससे पहले पहले अल्लाह की राह में पेश कर दो दे दो वो दिन आने पर तो फिर कोई चीज़ तुम्हें फायदा नहीं देगी तो सामने आते मोहतम अल्लाह तबारक तला ने तो खुद ही आ, अपने बंदों से खुद देकर कर किए बंदू को सिखाया है कि इस तरीके से आ, करो और इसका तुम्हें नफा है आ, जैसा कि सोरे हशर में अल्लाह करीम फरमाता है अय्यू हल लजीन आमनु हल अदलु को माला जी मिन ईमान वालों क्या तुम्हें ऐसी तिजारत के बारे में ना बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिला दे ऐसी तिजारत देखें खुद अता करने वाला खुद उसको वसत देने वाला और खुद ही बंदूक को तरीका भी सिखा रहा है कि इस तरह करोगे तो तुम्हारा ये माल तुम्हारे काम आ जाएगा और तुम्हें बड़े अजाब से बचाने का सबब बन जाएगा तो फिर खुद उसने किस तरीके से बंदों से तजारत की इन अल्लास नबारक तो ने उन जो ईमान वाले हैं उनसे उनकी जान खरीद ली किसके बदले में भी अन्ना <गला> लाहमुल जन्ना जन्नत के बदले में जन्नत उसके बदले में दी माल जो लिया जो तिजारत की वो भी उसका हम भी उसके जन्नत भी उसकी मगर क्या अंदाज है क्या अदाएँ हैं उसकी मोहब्बत की तो ये तिजारत अल्लाह तबारक़ा ने इस दुनिया में की इस दुनिया में क्योंकि ये दुनिया ही तिजारत की जगह है सौदा करने की जगह है ख़रीदने और बेचने की जगह है अगले जहान में ऐसे अमाल और तजारतें नहीं होंगी फिर उस वक़्त तो वक्त गुजर चुका होगा इसलिए वो फरमाता है कि वन अनफ़िकू मिन तो ये बात आज वक्त मुख्तलिफ अलफा के साथ मुख्तलिफ हमारे अंदर वो अहमियतें पैदा फरमा के तो हमें खर्च करने की रगबत दिलाता है फिर वो फरमाता है कि अल्लाब्स तो रस्मा शाओ व या कदिर मत समझो कि तुम्हारे पास माल आ गया तो अब तुम्हारा कोई हम पल्ला ही नहीं है हम सरी नहीं है ये सब कुछ उसके हाथ में है जिसके लिए चाहे रिस्क को शादा कर दे और जिसके लिए चाहे उसमें तंगी कर दे ऐसा भी तो हो सकता है कि आज तुम जो अपने ख़जानों को संभाले बैठे हो और उसको हवा नहीं लगने देते ज़रूरतमंद की ज़रूरत को भी पूरा नहीं करते तो सब कुछ वो पलट दे चंद दिनों के अंदर चंद महीनों के अंदर आज ये सब कुछ तुम्हारे पास है और कोई तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है तो कल ऐसा हो जाए कि खुदा न खास्ता तुम उसके दरवाज़े पे मांग रहे हो और वो सेठ बन चुका हो तो बस वो देखना ही चाहता है कि कोई ज़्यादा और कोई कम रिज पाकर मेरा शुक्र कितना करता है जिस तरह रोज़े के लिए उसने फरमाया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ा रखवाने की ना कोई मेरे बजट का कोई इस तरह से चल रहा है सिलसिला ग्यारह माह के बाद जब तक इसको कंट्रोल न करूं तब तक खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्ला जाली आगे मामलात नहीं चलते नहीं बल्कि वहाँ भी उसने बता दिया ख़ुद बता दिया कि इस रोज़े की गर्ज़ के अला को तब और यहाँ भी वो ये फरमा रहा है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिसको मैं ज़्यादा रिस्क देता हूँ वो मेरा शक्र कैसे करता है और जिसको मैं कम देता हूँ वो मेरा शक्र कैसे करता है अब फिर अल्लाह तलब क्या फरमा रहा है और उस तलब के अंदर भी उसकी बहुत बड़ी रहमत हमारे ऊपर है वो फरमा रहा है और चाहता ये है कि जिसके पास इल्म है वो इल्म खर्च करे जिसके पास औलाद है वो औलाद को मेरे रास्ते पे लगाए जिसके पास व दानिश है वो व दानिश को मेरे दीन को सीखने में उसको फैलाने में ख़र्च करे जिसके पास पाहम फरासत है वो उसको मेरे दीन के लिए खर्च करे जिसको ख़िताब करने का नात पढ़ने का कारीगरी का हुनरमंदी का मैंने जो रिस्क दिया है ये सब रिस्क हैं किसी के पास कम हैं किसी के पास ज़्यादा हैं तो बंदे का शुक्र तब होगा जब वो इन तमाम चीज़ों को मेरी अता समझेगा और फिर मेरे रास्ते में मेरे कहने पर ख़र्च कर डालेगा तो अब अगर हम इस सारी गुफ्तु को देखें तो अब अगर कोई शख़्स किसी दूसरे पर ख़र्च करता है तो ये ख़र्च करना और अल्लाह का इस ख़र्च की तरफ़ रगबत दिलाना ये इस बंदे पर एहसान है जिसका पैसा जिसकी चीज़ जिसकी दौलत लेकर वो दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है क्यों कि अब ये जो दे रहा है अल्लाह के कहने पर अल्लाह ने उसके लिए प्लान कर रखा है कि अब वो इसके एक देने के बदले इसको दस देता है सत्तर देता है सौ देता है या सात सौ और इससे भी ज़्यादा देता है और वो देना चाहता है इसलिए वो आपसे ये लेके कि किसी और को दे रहा है तो फिर एहसान हुआ कि नहीं हुआ मगर ये सारी कैफियतें ये सारे हौसले हमारे अंदर कब पैदा होंगे जो हम अल्लाह करीम की पहली बात को समझ लेंगे अमिमा रज़क़ना हम इस पर अपने यकीन को मजबूत करने की ज़रूरत होगी इसके लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत होगी कि हम हर वक़्त समझने के लिए अपने आप को समझाते रहें ये सब कुछ तेरा नहीं ये अल्लाह का है तेरे पास समानत है और अल्लाह ने एहसान किया है तो इसकाबिल नहीं था लेकिन अल्लाह ने तुझे दिया तेरे काम तेरे अमाल तेरे अफ़ल तेरी इबादत तेरी रियाजत कत ऐसी नहीं थी कि अल्लाह तुझे इतना कुछ देता मगर अल्लाह ने तुझे दिया है तो ये अल्लाह की अमानत है तेरे पास तो इस अमानत को संभालने पर भी वो तुझे सात सौ से ज़्यादा नफ़ा देना चाहता है लेकिन तरीका ये है कि जब वो कहे तो रख लो जब वो कहे तो दे दो तो फिर हमारे ऊपर अल्लाह का ये एहसान होगा आ, कि उसने हमें ये तोहफ़ी कता फरमाई ना हमें देकर किसी को जिताना चाहिए कि मैंने तुझे दिया और ना उस पर ये एहसान समझना चाहिए वरना जो अजर अल्लाह आपको अता करना चाहता है वो आप नहीं ले सकेंगे वो उसी सूरत में मिलेगा जब आप अल्लाह के लिए रखेंगे अल्लाह के लिए देंगे और अल्लाह ही से उम्मीद रखेंगे कि जिसने वादा किया है वो सारी कायनात से ज़्यादा अपने वादे में मज़बूत और सच्चा है उससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं है अब जब हम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं ना तो ख़र्च करने के भी मुख्तलिफ मकाम होते हैं और उनके बदले भी मुख्तलिफ़ होते हैं तो इस खर्च के या इन अमाल के साथ दर्जात ने लिखे हैं दो अमल ऐसे होते हैं कि जो दो अमल अपने आगे दो ही चीज़ों को वाजिब करते हैं यानी या, या दो जख़ या जन्नत दो अमल ऐसे हैं जो बराबर बराबर बदला अमल के बराबर देते हैं एक अमल ऐसा है जिसके बदले में अल्लाह पाक हमें दस वैसे बदले अदा करता है मान जा अबिल हसनति फलाू अशर सालिहा। और एक अमल ऐसा है जिसका बदला ये मिलता है जो भी हमने आयत करीमा पढ़ी अल्लाह ने क्या फरमाया कि मा सल्लीन यून फिकम वम फ़ी सबी कमास हब्बिन अम बतत सबासिकसोम बोलाती मैं तो हब्बा अब ये सात सौ की बात हो गई और सातवां अमल ऐसा है जब हम वो करते हैं तो उसके बदले में क्या होता है يشاء, शाह वल्ल عليم। ये आम दिनों में ये सारे खर्च और उनकी परसेंटेज बताई गई है जिस वक़्त हम ये काम ये रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के आलम में करेंगे जो असल हमारी बात है आज की अल्लाह तबारक ने इस माह मुबारक के मतलब हमें बताया और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया कि ये महीना मवासाद का महीना है इसार का महीना है हमदर्दी का महीना है कुर्बानी का महीना है एक दूसरे का एहसास करने का महीना है और इस तरह अल्लाह का करम तुम्हारे ऊपर निछावर हो रहा है कि एक घूट पानी एक खजूर एक दूध या लस्सी का घोंट या एक चंद घोंट दे देना ये भी तुम्हारे तुम्हें अल्लाह की तरफ से अजर से माला माल कर देता है तो जब तुम किसी को खाना खिला के पेट भर कर खाना खिला के रोज़ा इफ्तार करवा देते हो तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि आ, उस शख्स के लिए क्या है कि उस दिन अल्लाह पाक मेरे हौज से उसको सैराब करेगा कि वो पचास हजार साल का जो एक दिन होगा फिर पूरे मैदान माशर में जन्नत में पहुंच जाने तक फिर मेरे उस उम्मती को ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी तो क्या इस माह मुबारक के ग्यारह दिन गुजर गए आज बारवा दिन है हमारे हाथ खुले हमने इसमें अपने इर्द गिर्द देखा अब तो हालात भी स्पेशल हैं मामलात भी स्पेशल हैं लोगों की परेशानियाँ मसाइल मसायब मजबूरियाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि वैसे ही अगर हम ये कहें कि सत्तर गुना आम हालात से ज्यादा हो चुकी हैं तो इधर रब तो वैसे ही सत्तर गुना ज्यादा आपको देना चाहता है तो फिर हमारे रोजे का तकाजा क्या है हम शीराने मोहतरम के ये दीन है हमारा और यही दीन रहमत है और ये रहमत ही की सूरतें हैं जो अल्लाह करीम हमें सिखा रहा है कि इसमें दुनिया और आखरत की तमाम भलाइयों को ख़ैर को फलाह को उस रब ने हमारे लिए जमा फरमा दिया है जहाँ अपनी ज़रूरियात के लिए ख़रीदो फ़रो और कमाने को जायज़ करार दिया है वहीं उसने नादार मुफ्लिस गरीब बेआसरा सफ़ेद पोश लोगों के लिए सदक़ा खैरात सकात वगैरह का निज़ाम राइज किया है अगर हम सदका देंगे तो ये एहसान नहीं होगा एहसान भी नहीं फिर जिस माल में से हम जकात देंगे वो माल ऑलरेडी अल्लाह करीम का एक मखसूस निसाब तक पहुँचने पर हम उसकी मुकर करदा रकम फिर उसके कहने पर उसके बंदों को दे रहे हैं अजर से फिर वो हमें वाला माल फरमा रहा है वो जो बाकी माल हमारे पास है पाक वो उसको कर रहा है हालांकि सारा कुछ तो है ही उसी का तो माल खर्च करने और कमाने के फ़ाइल जा बजा अल्लाह करीब ने कुरान हदीस में बयान फरमाए हैं किस चीज़ के माल खर्च करने के और हलाल और तैयब तरीक़े से कमाने के फ़ाइल मगर माल जमा करने की फ़ज़ीलत या हौसला अफज़ाई किसी जगह पर ना कुरान अज़ीम की किसी आयत करीमा में और ना अदिस मुबारक के ज़खीरे में कहीं हमें नज़र आती है हज़रतमीन सैद आयशत सदीक़ा रज़ी अल्लाह तह से रवायतें आप फरमाती हैं कि जिस माल की ज़क़ात अदा नहीं होती वो माल बर्बाद हो जाता है जिस घर में वो माल पड़ा होता है वह नूसत पैदा करता है और हज़रत अबू हुरर रदी अल्लाह तवायत फ़रमाते हैं आप सल्हुआ वसम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है ए इबन आदम तो नेक काम में खर्च कर जुमला नोट कर लीजिए तो नेक काम में ख़र्च कर मैं तुझ पर ख़र्च करूँगा अल्लाह फरमा रहा है ये बात हर जुमले के साथ याद रखें कि हमारे पास पहले भी जो कुछ है वह अल्लाह का है जब यह बात अच्छी तरह से नशी हो जाएगी तो फिर हमें हर जुमले के अंदर अल्लाह का प्यार नजर आएगा अब खर्च करना क्या मतलब अल्लाह तूने ही तो पहले सारा कुछ दिया है और उसी में से हमें देने को कह रहा है वो भी एक ख़ास क्वांटिटी में तो अब वो क्या फरमा रहा है कि तू नेक काम में खर्च कर मतलब कि बंदे के पास जब है तो बंदा बुरे काम पे भी खर्च करेगा मुबा काम पे भी खर्च करेगा अच्छे काम में भी खर्च करेगा तो ये गोया कि अल्लाह की ये बात मानने पर अल्लाह की फरमा बरदारी करने पर कि हमारे पास माल था हमने बुरे काम में खर्च नहीं किया या अल्लाह तेरा हुक्म माना तो अल्लाह उस पर इतना खुश हो गया उसने फरमाया कि अब तू नेकी के काम में खर्च कर तो मैं तुझ पे खुद खर्च करता रहूंगा हज़रत सईद खुदरी रदी अल्लाह ये रवायत करते हैं कि नबीत वसलाम ने इर्शाद फरमाया कि माल खैरात करने में जल्दी करो और हमने जो देखा ज़िंदगी भर अपने इर्द गिर्द माहौल में देखा तो इफ्तारी करवाने के लिए भी लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि आखिरी आशरा आएगा तो फिर हम इफ्तारी करवाएंगे ना आपको अल्लाह की राहमत पे यकीन आया ना अल्लाह की बख्शिश तकसीम करने पे यकीन यानी पहला आशरा भी गुज़र गया दूसरा भी गुजर गया आपको क्या मालूम कि आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में या अजीजों में या रिश्तेदारों में कितने लोग ऐसे हों जिनके घर में पहले रोजे में ही ना इफ्तारी के लिए कुछ हो न सहरी के लिए तो आपने बीस दिन गुजार के उसके बाद क्यों सोचना शुरू किया फिर अल्लाह की मंशा तो पूरी ना हुई फिर वो जो निज़ाम चाहता था वो तो पूरा ना हुआ और फिर उसका नुकसान क्या हुआ आप देखें कि अगर एक महल में बीस चालीस लोग रहते हैं और वो सारे इस इंतज़ार में बैठे रहें कि हम आखिरी बीस दिनों के बाद जाके रोज़ा इफ्तार करना शुरू करवाएंगे तो आज एक देख बना रहा है कल एक आज दूसरी तरफ कोई बाजार से ख़रीद के ला रहा है रफ्तारी के लिए कोई कुछ कर रहा है कोई खजूरें उठा के ला रहा है कोई शरबत ला रहा है तो अब क्या हो रहा है अब एक घर में तीन तीन चार चार छः छः चीज़ें जमा हो रही हैं जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं और जो पिछले दिन उन्होंने तंगी में गुजारे हैं अगर हमने एक बैलेंस किया होता और अल्लाह की रहमतों और उसकी बख्शिशों पर यकीन करके महीने के साथ ही हम शुरू हो जाते तो हमारे इर्द गिर्द का सारा माहौल नॉर्मल हो जाता हज़ूर सल्लल्लाहु अल्लाह अलैहि वसलम की सुन्नत को हमने फॉलो करना है ना तो आपके बारे में अदीस मुबारक में क्या लिखा है कि जैसे ही मुबारक का चांद निकलता तो आप सल अलैहि वसल्लम सखाव में रियाजत में इबादत में इस पदर कमर बस्ता हो जाते कि फिर पूरा महीना आपका बिस्तर मुबारक नहीं बिछता और आप शद तरीन तेज हवा की तरह आप सखावत करते जाते करते जाते करते जाते तो ये चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ख्याल करना चाहिए इसीलिए मेरी कोशिश है कि पहले पहले दिनों में इन चीजों को लाजिमन बयान किया जाए ताकि अगर हमारे अंदर कहीं गफ़लत है सुस्ती है और हम भी ऐसा ही प्लान किए बैठे हैं तो हम इससे रुजू कर लें हम पलट आएँ और अपने से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द वालों का ख़याल करके अपने रोज़े को नूरन अला नूर करें जिस वक्त इंसान गरीब होता है तो असल लुत्फ़ देने का तब है अल्लाह की बारगाह में हम ये कहते हैं कि जब होगा तो देंगे है ही नहीं तो दें कहाँ से तो जब आपका एक छोटा सा बच्चा बीमार हो जाता है और आपके पास कुछ नहीं होता तो आप मोहल्ले में चार घरों में भी जाके आपको कर्ज मांगना पड़े तो आप जाके मांगते हैं और अपने उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं मगर हमारे इर्द गिर्द कितने मजबूर कितने गरीब कितने यतीम होते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता और फिर सबसे बड़ी बात यह कि, है कि हकीकत में हमने उन्हें तो देना ही नहीं हमने तो देना है अपने अल्लाह को तो फिर अल्लाह की शान ज़्यादा बड़ी है या हमारी ज़रूरियात की ज़्यादा बड़ी है हम उनके लिए कर्ज ले, ले लेते हैं अपने जेवरात बेच लेते हैं तो हम कभी ये भी तो करके देखें अल्लाह के लिए फिर आप देखिए कि पूरा साल उस नेकी की लज्जत आपसे कम नहीं होगी आपका दिल इस तरफ बाग बाग हो जाएगा नेकी करके आप समझेंगे कि शायद मैंने पूरी दुनिया की दौलत कमा ली कभी ऐसी नेकी करके देखिए और फिर खुद उसको अपने ऊपर आज़मा के देखिए कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता यकीनन होगा फिर अगर हम थोड़ा सा और गहराई में सोचें तो जब हमें अल्लाह की राह में देने की ज़रूरत पड़ती है या वक्त आता है तो हम हज़ार बार सोचते हैं और फिर भी पुरानी चीज़ें थोड़े पैसे मामूली रकम वो निकालते हैं और पता नहीं कितनी कितनी बार सोच के मगर जब हमारे अपने घरों में अपने बच्चों की शादियाँ आ जाती हैं मेहंदियाँ आ जाती हैं मंगनियाँ आ जाती हैं जिनका ना शरीयत में कोई सबूत है ना उनकी कोई ज़रूरत है ना उनकी कोई अहमियत है वो हमारे अपने ढोंग हैं जो हमने बना रखे हैं और उनके लिए हमारे अब हज़ारों का दौर तो गुजर गया हमारे लाखों के लाखों रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं और हम ये छोटे छोटे अपने इवेंट और अपने फंक्शन करके अपने नफ्स को खुश करते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि साल में हमने कभी ये किया हो कि चलें एक लाख अगर हमारे किसी काम पे लगता है तो हम पचास हजार ही अल्लाह की राह में दे दें हम यहाँ तक नहीं आते और हमें यहाँ तक आना है अगर हमने यहाँ तक नहीं आना तो फिर ये सारा महीना हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा होगा कभी कभी ऐसे भी करके देखें अपने ऐसे कामों के लिए जिनको शरीय नापसंद करती है जिनको अल्लाह ना पसंद करता है उनको निकाल के कभी अल्लाह की राह में खर्च करें आप देखें आपको कितनी बरकतें मिलती हैं अल्लाह कितना राजी होता है और उसके बदले में क्या देता है आपको आज हम इसी बात पे सारा दिन सोचेंगे इसी बात पे कोशिश करेंगे अपने तस्वुर में जहां जहां हमने रकम रखी है जिस जिस को दी है जहां जहां हमारे जेवरात हैं हम देखेंगे कि इन हमारी चीजों की हमसे ज्यादा किन लोगों को जरूरत है जिनकी मदद करके हम अल्लाह का वादा पूरा करवा सकते हैं अल्लाह ने तो फरमा दिया कि तुम मेरी राह में ख़र्च करो मैं तुम्हारी जरूरियात को पूरा करूँगा मैं तुम पे ख़र्च करूँगा तो जब हम करेंगे तो हम अपने इस्तात के हैसियत के मुताबिक करेंगे तो जब अल्लाह करेगा तो अपने शया निशान करेगा तो सौदा नुकसान का नहीं है बस हौसले की ज़रूरत है अल्लाह रबुल्ज़त आज की इस के इस मुबारक रोज़े के सदके हमें अपनी तजोियों के और अपने ख़जानों के मुँह खोल उसकी रहा में खर्च करने की तोफ़ी फरमाए ताकि हमारे रोज़ों की शान दुबाला हो जाए हमारे आमाल के ऊपर जो जंग है और जो कमी है अल्लाह पाक उसे दूर फ़रमा दे बलागुल मुबीन